तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। मेरे सामने है कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। विवेक सिंगल सर ने अपने वीडियो के ज़रिए ये शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालाइज किया था। हालांकि उसको कहने के बाद भी शेयर प्राइस में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है। इसका पीछे का कारण क्या हो सकता है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कैम्प्स में तो आपका 2023-2025 में क्या टारगेट होता है, कि कंपनी का फंडामेंटली कुछ चेंजेस हुआ है, यस और नो वो भी हम जानेंगे। अगर आप मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कैम्प्स में तो आपका अभी राइट टाइम आ चुका है बाय करने में। वो पॉइंट कौन सा है जो ऑपरेटर का फुटप्रिंट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, वो टेक्निकली मैं आपको बताऊँगा, तो आप और आपका फैमिली मेम्बर का भी यहाँ पर टेंशन कम होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कैम जिसका मार्केट कैपिटल है 10,000 करोड़ के पास, करंट वैल्यू चल रहा है 2200 के पास, इस साल में इन्होंने हाई लगाया था लगभग 3000 का, ठीक है। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 39-40 के आसपास चल रहा है। किस तरीके से इनका रिटर्न रेशियो देखिए कंसिस्टेंसी के साथ ही इम्प्रूव होता जा रहा है, 5 साल में 54%, तो अभी चल रहा है 62-63%। आरओई भी लाजवाब है। कंपनी के पास डेट ना के बराबर का है और डेट टू इक्विटी तो है ही नहीं। कंपनी सचमुच कैश मेकिंग मशीन है। कंपनी के पास बहुत ही शानदार रिजर्व भी है। तो ये शानदार कंपनी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सबको पसंद आते हैं। कंपनी का प्रमोटर के पास 19.9% है। ये सिर्फ मत देखिए क्योंकि बहुत बड़े जो ऑपरेटर होता है जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं उनका ही इसमें हिस्सेदारी है, वो हम दिखाएंगे। फंडामेंटल का डिटेल्स वीडियो सर जी ने बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं। सर का बताने के बाद भी इसका शेयर प्राइस में जो करेक्शन हुआ है, हालांकि फंडामेंटल के चलते नहीं हुआ है, सिर्फ ऑपरेटर साहब ही नीचे लेके आए हैं। क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में भी सितंबर के बेसिस में इंप्रूवमेंट हुआ है। ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिला है। मार्जिन भी ठीक ठाक यहाँ पे सस्टेंड करते हुए नजर आया है। सेल्स में भी आप देख रहे हैं अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जितने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं ना कैम्प्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं अगले समय में इक्विटी मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं और कैम्प्स का सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं। तो एक मोनोपोली तो नहीं है, ऑलमोस्ट मोनोपोली यहाँ पे बिजनेस चलता है और ये कैम्प्स है जो सबका पसंदीदा शेयर है। हालांकि जब ऑपरेटर साहब को ऊपर ले जाने में मन नहीं करता है तो ऐसे ही होता है। शेयर प्राइस का जो CAGR है वो -24% एक साल में ऐसे भी रिटर्न होते हैं। बट अगर उस समय में आपको फंडामेंटल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं सेल्स में कितने शानदार तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिला है और रिटर्न ऑन ऑफ इक्विटी भी अच्छे खासा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बैलेंस शीट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बोरोइंग में यहाँ पे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिला है और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी के पास बहुत ही शानदार कैश आए। इस कैश जो है बहुत सारे फंड हाउस स्पेशली शौरव मुखर्जी सर का पसंदीदा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अब जब देखेंगे ना तो हम देख सकते हैं FII ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ाया है। DII के पास भी बहुत है। पब्लिक में जाके देखेंगे तो यहाँ पे अगर जितने सारे पोर्शन है वो सेप्टेम्बर क्वार्टर में बहुत ही शानदार है। इस प्रोमोटर के पास जो है ना वो अच्छे तरीके से यहाँ पे सस्टेन है, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। और डील एंड ट्रेड के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं देख सकते हैं। ब्लॉक डील में इस क्वार्टर के अंदर कुछ यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं देख सकते हैं। बट यहाँ पे फंडामेंटल अगर सारे चीज़ अच्छे होते हैं तो सिर्फ टेक्निकली बैठता है। टेक्निकली एक पॉइंट आएगा जहाँ से यहाँ पे बाय करने के लिए ऑपरेटर तैयार होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आपका यहाँ पे चार्ट पैटर्न काम कर रहा है, क्या यहाँ से अगर आप ऑल टाइम हाई तक जाएंगे तो आपका शेयर प्राइस में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आएंगे और यहाँ पे वीकली चार्ट को एनालाइज करेंगे तो एक बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं एक समय में कितने बुलिशनेस यहाँ पे देखने को मिला था। कैम्प्स का शेयर प्राइस कभी 4000 हुआ करता था, अब आधे हो चुका है, बिल्कुल आधे के पास है। मतलब अगर आप देखेंगे ऊपर से कितने परसेंट यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, मतलब अब जनवरी महीने में जिसका शेयर प्राइस 4000 था 46% के आसपास करेक्ट हो चुका है। ये वीकली चार्ट हम एनालाइज कर रहे हैं। जब हम वीकली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो एक चीज़ हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अगर हम सिर्फ यहाँ तक देखेंगे तो क्या आप एक बहुत ही शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, जब यहाँ पे एक शोल्डर है और यहाँ से लेकर एक हेड है और फिर से और एक शोल्डर यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये फेल हो गया
और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, फिर से ऑपरेटर साहब नीचे लेके आ गया, जहाँ से जर्नी शुरू किया था वहाँ पे लेके आ गया। बट दोस्तों ये मत भूलिए, ये जो सारे पॉइंट है ना, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट में बहुत बार ऑपरेटर साहब ने ऊपर लेके गए हैं। जब इंडियन इक्विटी मार्केट में बुलिशनेस आ रहा है, जब सारे लोग इक्विटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड के ज़रिए बहुत लोग इन्वेस्ट करेगा। अगर इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे कैम्स का बेनिफिट होने वाले हैं। अगर कैम्स का बेनिफिट होगा तो क्या होगा दोस्तों, कैम्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो आइए यहाँ पे डे चार्ट को देखते हैं। तो डे चार्ट में हम क्या देख सकते हैं, एक बहुत ही शानदार बाइंग जोन पे आ चुका है, बहुत बार यहाँ पे बाइंग हो सकता है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, अच्छी नज़र आ रहा है कि RSI यहाँ पे 828 के पास है, तो ये सारे जगह पे सेलिंग नहीं बनता है दोस्तों। अब बहुत बड़ा सेलिंग के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगले कुछ सेशन में यहाँ पे बाइंग आ सकता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जोन जो मुझे पर्सनली लग रहा है, अगर ये बहुत बार यहाँ से इसी जोन से ऊपर आए हैं तो हाई चांसेस है यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, हो सकता है W बना के ऊपर जाए। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पर्सनली लगता है, और इसीलिए मैं बाइंग शुरू कर दिया हूँ, और यहाँ पे 20% तो यहाँ तक आएगा, जो ऑपरेटर हर बार नीचे कैम्प्स को डाल रहा था। एंड और एक चीज़ दोस्तों, अगर यहाँ से ये ऑल टाइम हाई तक जाता है तो लगभग दोस्तों 100% गेन है, क्योंकि आप जानते हैं अभी मिल रहा है आपको 2000 के पास है, और ये जाएगा 4000 के पास, ठीक है, ये जाएगा 4000 के पास, तो 100% गेन है, ये 100% गेन आपका 2024-25 तक तो पक्का आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेनिट्रेशन बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड का, उस तरीके से आपको बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। 20% वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय लगेगा, और ये हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने के अंदर आ सकता है, पर ये शॉर्ट टर्म जो 4000 है आपका 1 से 2 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आप अपना हिसाब से करिएगा, डिसीजन अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अच्छे कंपनी को सस्ते भाव में मिल रहा है, तो ले लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।